कहते हैं बेचना आ जाए तो क्या कुछ नहीं बेचा जा सकता, इस बात का जीता जागता सबूत मैं दूंगा। तो हमारी आज ब्लॉग की शुरुआत दिन का दोपहर से होता है। गाइस में दिन का दोपहर में छत पे आया हुआ था, तभी मेरा नजर बाबू गांव के गलियों पे जाती है। इतना खाली रास्ता देखकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो मैं अपना दिमाग को फिर से मजदूरी पे लगाने के लिए रसिया से लाया हुआ बोतल में पानी भरता हूं। और सब और मुझ में फर्क बस इतना है, लोग छुपा कर पानी पीते हैं और मैं कैमरा ऑन करके। और फिर कुछ समय होने के बाद मेरे पास ऊपर से कॉल आता है कि महात्मा गांधी जी ने मिलने बुलाए हैं। तो गुरु मैं मिलने जाऊं और साबुन से मुंह ना धोऊं तो हुई गद्दारी करने वाली बात, क्यों लग रहा हूं ना एकदम मासूम बच्चे की जैसा। तो फिर मैं अपना काला घोड़ा से निकल पड़ता हूं दुगड़ुम दुगड़ुम करते करते। रास्ते में जाते जाते मुझे दो फॉलोवर भाई मिलते हैं, जिनसे मिलते हुए हम आ जाते हैं झील, जहां पे स्टूडेंट लोग कम तोता मैना ज्यादा दिखते हैं। ये सब चीजों को थोड़ा साइड में रखता हूं और झील का खूबसूरत नजारा देखते हुए हम आ जाते हैं महात्मा गांधी जी का स्टेचू के पास। वैसे तो सबको पता है दादू अब ये दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरा जैसा सच्चा देशभक्त के दिल में हमेशा के लिए अमर रह गए। वो बात अलग है कि लोग इनका